माध्यम से कि इस बार नगर निगम का जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो पूरा हमारा टैक्स कलेक्शन है फर्स्ट क्वार्टर का, अप्रैल मई और जून का इस फाइनेंशियल ईयर का, इस बार के उसके जो आंकड़े रहे हैं वो 1113 करोड़ के आसपास रहे हैं, जो पिछले 2-3-4 सालों के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस बार काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमारा जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका जो फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स कलेक्शन रहा था वो था 695 करोड़, और 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसका जो टैक्स कलेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में जो रहा था वो 540 करोड़ के आसपास रहा था। और अगर हम नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स की बात करें तो पिछले सालों के हिसाब से, उसके कंपैरिजन से, अब जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है उसमें भी इजाफा हुआ है। इस बार 2022-23 में जो हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स रहे हैं वो हैं 7.17 लाख, तो लगभग 7.25 लाख के आसपास रहे हैं, और जो वो भी पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के कंपैरिजन में वो भी बड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार जो दिल्ली की जनता ने चुनी है, दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी पे, और अरविंद केजरीवाल का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है, हमेशा से पिछली सरकारों में क्या रहा था, पब्लिक का पैसा वसूला जाता था और वो पब्लिक का पैसा वो बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीदने में लगाया जाता था। और क्या होता था, जनता टैक्स भरती थी, जनता से पैसा वसूला जाता था, पर वही नगर निगम घाटे में चलती थी और टूटी सड़कें, टूटे पार्क, टूटी नालियाँ, जो जनता को उसका 1% भी बेनिफिट नहीं जाता था। पर अब मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जो भी दिल्ली की जनता से वादे करे हैं, अब हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि हमें नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ाना है, नगर निगम में एमसीडी में हमें रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। पर जो जनता का पैसा हम लोग रेवेन्यू के माध्यम से इकट्ठा करने वाले हैं, वो पैसा हम दिल्ली की जनता को फैसिलिटीज देने में लगाने वाले हैं, दिल्ली की जनता को जो पब्लिक सर्विसेज, एमसीडी की जो जिम्मेदारी बनती है सर्विसेज प्रोवाइड करने की, वो उस पर लगेगा। हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, अच्छी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी सीवेज सिस्टम देंगे, जो लैंडफिल है जो हमने टारगेट सेट किया है उनको कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, साथ ही अच्छी सैनिटेशन देंगे, कर्मचारियों के ऊपर भी हम बढ़िया काम करेंगे, उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, हम उनकी सैलरी भी टाइम से देने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं आज आपको मीडिया के माध्यम से कि जो नगर निगम में पिछली सरकारें इतने सालों में नहीं कर पाईं, वो कुछ चंद महीनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का आगे भी यही उद्देश्य रहेगा कि हम नगर निगम को कैसे फाइनेंशियल क्रंच से बाहर लाएं, कैसे हम रेवेन्यू इंक्रीज करें, और वही पैसा जो पहले करप्शन की जाती थी, अपने बड़े बड़े महल और कोठियां बनाई जाती थी, और वही पैसा अब हम जनता की सुविधाओं पर लगाने वाले हैं।